आई दिस इज़ तृप्ति डिमरी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ स्ट्रगल्स तो जो हर शूट में होते हैं कभी कभी कुछ दिन ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कुछ दिन ईजी होते हैं जो डिफ़िकल्ट डेज थे उनमें भी हम क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है तो जब आप अपना होमवर्क पूरे अच्छे से कर लेते हैं तो सेट पर उतना स्ट्रेस नहीं होता तो लकीली हमने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ था शूट से पहले एंड शूट पे ये वाला स्ट्रेस नहीं था हाँ कभी कभी होता था कि डिफ़िकल्ट सीन्स हैं तो आपको एक ही दिन में कई इमोशंस के थ्रू गुजरना पड़ता है सडनली वन मोमेंट यू आर हैप्पी अन अदर मोमेंट आर अपसेट अन अदर मोमेंट यू हैव टू फील दैट जेल एंड देन हेटरेड एंड दिस एंड दैट तो दो डेज कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट बट uh, हम लोग ब्रेक ले लेते थे बट इनिशियली येस आई हैव ऑल्सो फेस्ड इन माई मॉडलिंग डेज तो उस टाइम पे बेस पर इतना बुरा नहीं लगता था क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स तो आई ऑल्सो थाट दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम बट इधर ऐसे ही चलता है बट दैट्स द सैड पार्ट मोस्ट पीपल फील दैट दिस इज हाउ इट इज बट इट्स नॉट

आपको तब खुशी मिलती है जब लोग हर चीज़ के बारे में बात करें फिल्म की जो जो भी इस फिल्म से जुड़े हुए थे चाहे वो हमारी प्रोडक्शन डिज़ाइनर हो या फिर हमारे डीओपी हो या फिर यू नो आर्ट डिज़ाइनर हो एवरीबडी वज टॉकिंग अबाउट देयर वर्क ऑल्सो नॉट जस्ट द परफॉर्मेंस नॉट जस्ट द डायरेक्शन क्योंकि जब लोग छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं फिल्म की तब आपको लगता है कि लोग यू नो कनेक्ट कर रहे हैं फिल्म से जो भी आपने बनाया उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं अच्छे से काफ़ी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स थे किसी ने बोला था कि ये आज अभी तक का मेरा बेस्ट काम है एंड दैट मेड मी वेरी हैप्पी बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांट कि आगे भी अगर मैं काम करूं तो कोई इसको देख के यही बोले कि आज तब तक का आज तक का बेस्ट काम ये था अगर मैं आउटकम का सोचने लगूँ पहले ही रिव्यूज़ का सोचने लगूँ तो फिर वो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा एंड देन आई वॉन्ट बी एबल टू गिव माई हंड्रेड परसेंट एक चीज़ सबसे बड़ी जो मैंने सीखी है इज़ दैट यू हैव टू हैव पेशेंस अ लॉर्ड ऑफ पेशेंस ऑन अ डे टू डे बेसिस एज वेल एज इन लाइफ बहुत um, मतलब आप दुनिया देखती है फोटोज़ आती हैं फिल्म आती हैं तो सबको लगता है वाह बहुत अच्छा चल रहा है बट uh, जो बीच का वेटिंग पीरियड होता है ना फ्रॉम वन फिल्म टू अनदर उसमें आप कैसे अपने आप को सें रखते हो और संभालते हो और अपनी यू नो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स चूज़ करते हो दैट इज़ दैट इज़ द फेस दैट इज़ आई वुड से वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स इट सो इम्पॉर्टेंट टू हैव पेशेंस एंड बिलीव इन योर सेल्फ मैं जल्दी अनाउंस करूंगी बहुत एक्साइटमेंट है मुझे भी बहुत आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अभी मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकती उस बारे में बट बिल्कुल अलग होगा इट बी वेरी इट विल बी अ गुड सरप्राइज़